वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 37 जो कि है 28th of September की। आज की जो साइंस की जो वर्कशीट है क्लास 9th की, उसके अंदर हम आज करने वाले हैं रिवीजन। जो पूरा पूरा चैप्टर है मोशन के बारे में, हम उसके बारे में रिवीजन करने वाले हैं और एक नई चीज सीखेंगे जो कि है सर्कुलर मोशन। तो आइए चलते हैं, इस वर्कशीट को रिवाइज कर लेते हैं। पूरे टॉपिक में अभी तक हमने क्या करा है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। अगर कोई डाउट होता कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। We say that an object is in motion when its position changes with respect to time। देखो, किसी चीज को हम मोशन में तब कहते हैं, चलता हुआ तब कहते हैं, जब कोई चीज टाइम के साथ आगे बढ़े, अपनी पोजीशन को बदले। जैसे कि आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो आप टाइम बीतता है, साथ साथ आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब आप मोशन में नहीं है, तो उस पोजीशन को कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब रुका हुआ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस, हम एक ऑब्जेक्ट जब वो मोशन में होता है, हम पता लगा सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस चला है, उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एक जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, एक पानी की बूंद भी हो सकती है, किसी भी चीज को वो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए जगह से बी जगह तक जाता है, मतलब आप अपने घर से स्कूल तक जा रहे हैं, तो उस डिस्टेंस को कहते हैं, उस लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इसकी जो SI यूनिट है वो मीटर। SI यूनिट का मतलब होता है वो यूनिट जिसके अंदर इसको स्टैंडर्ड हम स्टैंडर्ड वे में हम नापते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या बताती है, डायरेक्शन, कि आपकी डायरेक्शन क्या है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। आगे चलते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड आपको पता ही है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, उसे कहते हैं चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे मीटर पर सेकेंड में नापते हैं स्टैंडर्डली। आपकी जो बाइक या कार में होता है, हम उसको किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। बट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है, अगर साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो उसे कहते हैं मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी एक तरीके की स्पीड ही होती है, बट इसके अंदर डायरेक्शन होती है, इससे हमें पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेलोसिटी का मतलब हो गया, जैसे एक प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहा है नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। देखो, प्लेन की जो स्पीड होती है वो सिर्फ इस तरीके से नहीं बताई जाती कि 400 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, वो बताई जाती है नॉटिकल आवर्स, लाइक नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो भी बताया जाता है। आगे इन्होंने हमें दे रखे हैं 3 ग्राफ। तो ये जो है, पहला है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है, देख रहे हैं एकदम सीधी लाइन है। दूसरा है ये ग्राफ में जो है ना, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तीसरा है कभी तो ज्यादा चल रहा है, कभी तो कम चल रहा है, तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। राइट साइड में अगर आप देखें तो उन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है, 3 है, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी। प्लीज आप उन वीडियोस को जरा पढ़ें, समझें, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछें, बिकॉज अब आप एग्जाम्स की तैयारी सीरियसली करना स्टार्ट कर दें। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछना भी स्टार्ट करें। आगे हम बढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारी कार में होता है ना, स्पीड बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली एक्सेलरेशन होता है स्पीड बढ़ाना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो, स्पीड हो गया वो बताता है कि एक घंटे में हम कितना दूर जाएंगे। अब एक्सेलरेशन होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसे हम मीटर पर सेकेंड पावर में -2 ये होता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो ये बताता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसे कहते हैं नो एक्सेलरेशन, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो, पैरेलल लाइन होती है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा क्योंकि डिस्टेंस जो है वो मूव नहीं हो रहा। यहाँ पर होता है रिटार्डेशन।
यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है इन्होंने, ऐसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये गलतियां कर देते हैं बीच बीच में, जरूर आप अपने करेक्शन कर लें, इसे कहते हैं रिटार्डेशन, ओके, एक्सेलरेशन नहीं होता ये, और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी तो बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, इस तरीके का जो ग्राफ बनता है इसे नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ओके, यहाँ पर राइट साइड में ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल इज द एरिया, तो बेसिकली जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो इसका एरिया होता है। देखें ये एरिया उसने कितना कवर करा है, अब ये जो ट्रायंगल है ना वो भी, अब पूरा ट्रायंगल हमारे से बनता नहीं, तो ये वाला जो ट्रायंगल है आधा वाला, तो जिसे कहते हैं एरिया, एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो उसके मदद से मुझे उसका डिस्टेंस भी पता चल जाता है। अब यहाँ पर जिज्ञासा दीदी को एक क्वेश्चन आया है, जिज्ञासा दीदी से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इज देयर एनी सिचुएशन व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन कांस्टेंट, मतलब स्पीड तो एकदम कांस्टेंट रहे बट स्टिल इट एक्सेलरेट। देखो स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन तब होता है जब स्पीड बढ़ती रहे। ओके, यान इट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, कभी आपने घुमा घुमा के पत्थर फेंका है, अगर आपको लगान मूवी याद हो तो घुमा घुमा के बॉल करता था, अगर नहीं देखी तो जरूर देखें, तो उसके अंदर अपने हाथ को जब आप एक ही जगह पे घुमा रहे हो तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ इसको एक अच्छे से, तो अगर आपके पास एक है, आप इस तरीके से घुमा घुमा के कोई चीज फेंक रहे हैं, तो आपके हाथ में कोई रस्सी है और आप उसको घुमाए जा रहे हैं तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब ऐसा कहाँ कहाँ पे होता है आप खुद सोचें। देखो हमारा जो अर्थ है उसके आसपास मून घूम रहा होता है, तो उसका जो पाथ है वो कौन सा हो गया, सर्कुलर मोशन। वो क्या है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है बट वो एक्सेलरेशन कहलाता है। इफ वी मूव अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड अलोंग अ सर्कुलर पाथ व्हाइल बीइंग स्टेशनरी एट अ पॉइंट, its speed may remain constant but the direction of a motion will keep on changing constantly, this type of motion is known as uniform circular motion। ये तो हो गई सारी की सारी इसकी definition। right side में अगर आप देखें इसका uniform circular motion का formula दे रखा है, थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ uniform circular motion का formula कैसे आया है। ये speed है, ठीक है, ये क्या है speed, v से represent कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे आया, स्पीड का जो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में जब वो घूमता है तो राइट इसके जो कॉर्नर होता है उसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, क्या होता है 2πr, तो इसलिए यहाँ पे 2πr दिया, और टाइम हो गया टी, तो इसका जो फॉर्मूला हो गया 2πr अपॉन टी, तो ये इसका फॉर्मूला इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब इनके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है गिव वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहाँ पे दे रखा है इन दोनों को आप कॉलम में बना के आप लिख सकते हैं, एक डिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया और एक डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है राइट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशंस बताइए, इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर दे रखी हैं, ये तीनों के तीनों आप लिख दीजिए, ध्यान से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तीन एग्जांपल देने हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहला एग्जांपल है एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, दूसरा हो गया अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, देखो तीसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं फिर भी आपको और एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे सैटेलाइट की जगह पर यहाँ पे कर दीजिए मून, ठीक है मून, ओके मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ये तीन आपके यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट हु कंप्लीट वन लैप ऑफ अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट, तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये दिखाई दे रहा है। ओके,
ये सॉरी मैं फिर दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, ये हट गया। ओके आई एम रियली सॉरी, ये बार बार हट रहा है, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ये हो गया। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्क दे रखा, रेडियस दे रखा है 100 मीटर, टाइम दे रखा है 1 मिनट, जिसको मैं 60 सेकेंड भी ले सकता हूँ। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यहाँ पे 2πr है, मैंने यहाँ पे 2 × 22/7 × 100 करा, ये मेरे पास आंसर आ गया, ये मीटर में आएगा। और स्पीड पता है मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम क्या 60 सेकेंड। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा आंसर आ जाएगा 10.47 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी यहाँ पे वर्कशीट खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर आगे फॉरवर्ड करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।